आज कितने सीट के लिए आप नॉमिनेशन कर रहे हैं? आज पूरा गठबंधन के साथ हम लोग सभी सीटों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी सीटों में हम लोग उम्मीदवार दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी कितने? बीजेपी जो है हमारा बीजेपी की ये इस बार की इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये मतलब डिसीजन ये हुआ कि ओवरऑल में हम लोग यहाँ के रीजनल जो गठबंधन है, गठबंधन के दल हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे और उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। उनको हम ज़्यादा सीट में उनको हम मौका दे रहे हैं। हमें बीजेपी की तरफ से हम अभी तक 10 सीटों में और 22 सीटों में हम हमारे गठबंधन के दलों को कैंडिडेट उम्मीदवार देने को हमने ये ऐसा मतलब दोनों में सहमति हुई है। आप लोग का गठबंधन किसके साथ हो रहा है? गठबंधन हमारे सभी जिस तरह से पहले हमारा गठबंधन था, जेएनएलए पार्टी है, सीपीआरएम है और कई भी पार्टियां हैं, उनके सभी के साथ मिलजुल कर उन सभी दलों के साथ सलाह मशवरा करके हम लोग ये निर्णय ले आए हैं कि हम 10 सीटों में हम लोग फाइट कर रहे हैं और जितना भी सीट है वो हम गठबंधन के और दलों को दे रहे हैं। आप लोगों का मेन मुद्दा क्या है, बीजेपी का मेन मुद्दा क्या है दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी को लेकर? बीजेपी ऐसा है, दार्जिलिंग सबसे पुराना म्यूनिसिपैलिटी जो 1825 में 50 में बनी हुई है, तब से लेकर के आज तक दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी का जनरल जो रूप रहा है वही रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा। और दार्जिलिंग ही एक ऐसा नगर है, सिटी है, जिसको 1897 में सबसे पहली बार बिजली से कनेक्ट की गई थी और दार्जिलिंग का प्रतिष्ठा तब से बहुत मतलब विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग था। और अब जो है दार्जिलिंग को सभी विश्व में सभी देशों ने और पूरा भारतवर्ष में दार्जिलिंग को एक कल्चरल, एजुकेशनल और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी एक बेहतरीन नगर के रूप में देखा जाता था और इस मर्यादा को, इस गरिमा को लौटाने की हमारी जो अभियान रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दार्जिलिंग अभी वर्तमान के राजनीति में दार्जिलिंग की गरिमा और दार्जिलिंग के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि दार्जिलिंग एक एपिसेंटर है जहां से गोरखाओं को अस्मिता की रक्षा के लिए जो आंदोलन शुरू हुई थी और इस एपिसेंटर के आगे, इस एपिसेंटर में ही जो हमारे गणतांत्रिक लड़ाई थी, हाँ, उस गणतांत्रिक लड़ाई में जिस तरह से हमारे निर्दोष आंदोलनकारियों को बंगाल सरकार ने गोली ठोकर हत्या की, आज दार्जिलिंग के नेता, रीजनल पार्टी के सभी नेता, दल के नेताओं को उसी पश्चिम बंगाल सरकार के नज़दीक जाने की और मिस ममता बनर्जी को खुश करने की होड़ में लगी हुई है। इसीलिए कोई भी पश्चिम बंगाल सरकार आज पहाड़ के हित के लिए, पहाड़ के समस्या के लिए, वो सभी समस्या को नज़रअंदाज करके वो अपना मतलब जो है गवर्नमेंट सरकार का जो है बहुसंख्यक की सरकार जो है बहुसंख्यक की हितों के लिए यहाँ के जो है कल्चर, यहाँ की भाषा, इसके ऊपर जिस किसी तरह का भी अतिक्रमण हो रहा है उससे देखकर मूक दर्शक बनकर यहाँ के लोकल राजनीतिक दल के नेता जिस तरह से
बंगाल सरकार को खुश करने की होड़ में लगे हैं, इसको देख करके दार्जिलिंग के जनता एक आत्मग्लानी महसूस कर रही है। दार्जिलिंग के आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और इस अस्मिता की लड़ाई में यहाँ के दार्जिलिंग के अन्य दल आज जो भी म्यूनसिपालिटी में हमारे प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा हो रहे हैं, उन दलों के नेताओं ने जिस तरह से जन आकांक्षा को धोखा देकर जिस तरह से राज्य सरकार अपना अस्मिता की जो मुद्दा थी वो सब समर्पण करके आत्मसमर्पण करके पराजित करके वो जिस किसी भी तरह से सरकार को खुश करने की होड़ में लगी हुई है, इससे ये लगता है जनता, पहाड़ की जनता और विशेष करके दार्जिलिंग नगर पालिका की जनता को बहुत एक तरह का आत्मग्लानी, एक तरह का आत्मसम्मान खोने जो महसूस दार्जिलिंग की जनता को हुआ है। इसलिए दार्जिलिंग को जनता नेता जिस तरह से भी वो पश्चिम बंगाल के साथ वो अपना जिस तरह से भी अपना आत्मसम्मान खोकर झुक चुके हैं, उस तरह से यहाँ के नेता उस तरह से उस इस नेताओं इन दलों की जो सरकार के साथ जिस तरह का उनका रवैया रहा, नेता जनता उससे खुश नहीं है। जनता दार्जिलिंग की आत्मसम्मान बनाने के बनाए रखने की और दार्जिलिंग की गरिमा को लौटाए रखने की और एक स्वच्छ प्रशासन देने की, क्योंकि टीएमसी का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूनिसिपैलिटी लोकल सेल गवर्नमेंट जो कोई भी निकाय में उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वहाँ पूरा पूरा भ्रष्टाचार रहा है, वहाँ पूरा पूरा तोलाबाजी घोटाला ये सब चला है। हम बीजेपी गठबंधन के साथ दार्जिलिंग की म्यूनिसिपैलिटी में यदि वोट अगर जनता हमें मत देकर वोट बनाने की अनुमति देते हैं तो दार्जिलिंग में सबसे स्वच्छ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सबका साथ सबका विकास करके इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में जमीनी स्तर पर इस सिद्धांत को लागू करते हुए इस नगरी को नगर पालिका से एक महान नगरी में नगर निगम में इसको परिवर्तन करके यहाँ के जनता को जनता की विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है और इस विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक नया आयाम एक नया परिवर्तन करने की बीजेपी की ये हमारी गठबंधन की हमारी ये हमारा मुद्दा है। आप डोर टू डोर मांगेंगे वहाँ पर क्या दिखाएंगे कि ये देखकर आप तो हमको वोट दीजिए? ऐसा है, बीजेपी की सरकार ने आज तक भारत पूरा भारतवर्ष में जिस तरह से लोगों को हित का काम किया है, अभी जितना भी अब मुफ्त का राशन हो, कोविड का मुफ्त का वैक्सीन हो करके एक गरीब लोगों को घर बनाने की स्कीम हो, उनका जो है इंश्योरेंस का बात, ये तो सब सेंट्रल का स्कीम है, ये सब मोदी सरकार की स्कीम आज पश्चिम बंगाल में। इसका दूसरा नाम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना बन, इसको बांग्ला आवास योजना नाम करके सरकार राज्य सरकार इसको परिचालन कर रहे हैं, ऐसा लगे कि ये स्कीम केंद्र को न होकर के ये राज्य का स्कीम। इसी तरह से स्वस्थ साथी ये भी ऐसा किसानों के लिए बहुत दिए है हमारे केंद्र सरकार ने, इसीलिए गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आजू को नॉमिनेशन को इसके अलावा हाम्रोमा एक घंटा खाली अब टाइम छ, इसके अलावा तपाईहरुलाई जो क्यान्डिडेट माइनोरिटी हल जनता की अस्मिता वार्ड नम्बर 17-32 यहाँका जनता तपाईहरुलाई अनुरोध गरिन्छ तपाईहरुको कुनै पेपरहरु केहरु कलेक्टहरु गर्नु छ भने तपाईहरुले दया गरिकन आज तक इस जनता त्यो दुईटा हलबाट तपाईहरुको एस्पर वार्ड वाइज
तपाईले पेपरहरु कलेक्ट गर्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ अनि आज पनि टाइम सेम नै रहन्छ 3 बजी सम्म हाम्रो आज नोमिनेसन को टाइम छ बिहान 11 बजी देखि बेलुकी 3 बजी सम्म तपाईले जो जोले पेपर्सहरु केहरु कलेक्ट गर्नु छ भने दया गरिकिन आरटीसी बिल्डिङ अनि माइनोरिटी हलमा गएर जिस तरह से हमारे राजू बिष्ट जी ने बात कर रहे हैं और बराबर सरकार यानी कि आप लोग का हाँ। म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन का वही मुद्दा होगा जो लोकसभा इलेक्शन में नहीं, बात यह है अगर म्युनिसिपैलिटी के दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी के जनता अगर इस बार विपक्षी को वोट देगा तो एक तरह से ये मैंडेट ऐसा है कि दार्जिलिंग को लोगों को ये केंद्र का पीपीएस मंजूर नहीं, यानी कि आप लोग पीपीएस को ही मुद्दा बना के जाएंगे। हाँ, दार्जिलिंग के जनता को केंद्र को पीपीएस चाहिए क्योंकि सरकार की राज्य सरकार के साथ कोई भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, अपनी मानव अधिकार ही होने की कगार पे हम लोग हैं, इसीलिए हमारे अपनी मानव अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अस्मिता की सुरक्षा करने के लिए हमारे मैंडेट भी ये बोलना चाहिए कि हमारे अस्मिता कलन जी इसीलिए हम लोग बीजेपी के साथ है। पीपीएस के रूप में हमारे एक ऐसा व्यवस्था देने के पार्लियामेंट में भी होम मिनिस्टर ने जवाब दे रखा है राइट कि गोरखाओं को एक संवैधानिक व्यवस्था दे करके इन लोगों का राजनीतिक समस्या का समाधान ओके कलन जी तो इसलिए हम लोग ये अपील करते हैं दार्जिलिंग की जनता को कि जो भी मत है आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मत हो रहा है ठीक है लेकिन ये भी एक तरह का मैंडेट है कि जनता की रुझान जनता क्या चाहती है जनता क्या चाहती है क्या विकासी जनता की मुद्दा है या जनता के असली मुद्दा क्या है। करण जी आप लोग तो जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं अगर गठबंधन ने चुनाव जीत लिया तो चेयरमैन किस पार्टी से होगा बीजेपी से होगा या वो तो हम लोग पीछे तय करेंगे गठबंधन के जितने भी नेता लोग रहेंगे उनसे बात सलाह मशवरा करके हम एक यूनानिमस डिसीजन में हम आएंगे कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन कैसे होगा कौन होगा ये हम तब तय करेंगे।